Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Vaishnavi and this is the third class of our basic to advanced makeup course and ये actually एक demo class है. So शुरू करते हैं. मैंने आप लोगों को CTM के बारे में बताया था, उसी का demo है आज. एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली CTM पार्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं. तो शुरू करते हैं. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लेंजिंग. तो क्लेंजिंग मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मैं अभी करके आई थी, ऑन कैमरा ऑब्वियसली नहीं करूँगी. सो मैंने वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है. आप फेस वॉश अगर आप क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी मिल्की क्लेंजर या जेल क्लेंजर को यूज़ करें, फेस वॉश अवॉइड करें. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं जो कि है टोनिंग का. ओके, अब टोनर इस टाइप के दिखते हैं. मैंने बताया था ये मेरा फेस मिस्ट है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको इसको शेक करना है, इसकी कैप रिमूव करनी है एंड देन 4-5 टाइम्स इसको अपने फेस पे या अपने क्लाइंट के फेस पे स्प्रे करना है. सो अब मैं इसको 3-4-5 बार जितना भी है ज़रूरी उतने टाइम्स को स्प्रे करूँगी एंड देन इसको 2-5 मिनट एब्जॉर्ब होने दूँगी ताकि ये अपना काम करे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दे आपकी स्किन पर. तो इसको मैं स्प्रे करती हूँ एंड देन मैं आपसे 5 मिनट्स बाद मिलूँगी. ओके, मेरे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मॉइस्चराइजिंग का. अगर बाय चांस आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आपका टाइम लगा रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी करना है, तो आप एक छोटा फ़ैन भी रख सकते हैं एंड टोनर वगैरह जब भी आप ऐसे कुछ स्प्रे कर रहे हैं तो उसके बाद आप फ़ैन लगा दें ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, जल्दी सूख जाए. ओके, सो हमारा मॉइस्चराइजिंग की बारी है. कुछ नहीं करना, आपने थोड़ा सा फिंगर पे मॉइस्चराइज़र लेना है अच्छे से, ठीक है. एंड इसको अपने पूरे फेस पे लगाना है अच्छे से, स्पेशली जहाँ आपके रिंकल्स वगैरह है ना, जैसे अंडर आइज वगैरह एरिया पे, वहाँ पे छोड़ना नहीं होता हमने. ओके, अब इसको हमने अच्छे से मसाज करना है अपने फेस पे ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. ओके, इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है और एब्जॉर्ब करवाना ताकि एक अच्छी लेयर बन जाए आपकी स्किन पे. क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़र अवॉइड करेंगे ना तो क्या होगा कि जो आपकी रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, वो जल्दी दिखने लग जाएंगी. वो होता है ना कि आप बाद में लोग कंप्लेंट करते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारी जो है लाइंस दिखने लग गई हैं, रिंकल्स दिखने लग गए हैं, क्रीजेस दिखने लग गई हैं, पड़ने लग गई हैं. तो वो इशू जल्दी नहीं आएगा अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे. जिन लोगों की फाइन लाइन ज़्यादा होती है उनके पे मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है. एंड जो आपका फाउंडेशन जो लगेगा वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा मॉइस्चराइज़ करने से एंड ज़्यादा केकी भी नहीं लगेगा. ओके, तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडर आइज़ पे भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो भी फाइन लाइंस वगैरह होती हैं ज़्यादातर अंडर आइज़ पे होती हैं, तो वो अच्छे से कवर हो जाए, मॉइस्चराइज़ होके अच्छे से फाउंडेशन की लेयर लग जाए, कोई दिक्कत ना हो. ओके ओके, अब इसको लगाने के 2-5 मिनट बाद आप प्राइमर लगाएं एंड मैं प्राइमर का आपको बता देती हूँ कि कैसे लगाना होता है. ओके, अब ये प्राइमर की बारी है. मैंने अपना प्राइमर ले लिया है. प्रोडक्ट्स वही ले जो आपके स्किन पे सूट करते हैं, जो आपकी स्किन को, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए जो सेंसिटिव स्किन पे सूट करते हों, क्योंकि उनमें केमिकल्स जो होते हैं वो इतने हार्श नहीं होते. मैंने ये अपना थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा एक पी साइज का लेना होता है अमाउंट प्राइमर का. एंड सिर्फ उन एरियाज पे लगाएं जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, या जहाँ पे एक्ने होने के चांसेस होते हैं. एक्ने होने के चांसेस कहाँ हो सकते हैं, जहाँ आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, जहाँ आपके ब्लेमिशेस हों, थोड़े एक्ने स्पॉट्स हों ऑलरेडी, वहाँ पे लगा लीजिए. पूरे फेस पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ऐसे मैंने वीडियोस वगैरह देखे जिसमें ये दिखाते हैं कि आप पूरे फेस पे लगा लेते हैं प्राइमर, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. जब आप टोनिंग का पार्ट कर चुके हैं, मॉइस्चराइजिंग का पार्ट कर चुके हैं, तो आपको एक और एक्सेसिव लेयर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्राइमर सिर्फ उन जगह पे लगाएं जहां आपको ज़रूरत है, जहां आपके ओपन पोर्स हैं, जहां आपके एक्ने स्पॉट्स हैं या एक्ने हैं, उस पे लगा सकते हैं आप ताकि आपका और कोई दिक्कत ना हो, स्किन प्रॉब्लम ना हो. पूरे फेस पे मैंने देखा बहुत वीडियोज़ में लगा लेते हैं, ऑल्दो ऐसा कुछ हार्म है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक और लेयर लगाना क्यों ज़रूरत है, ठीक है. तो अवॉइड करिए, कर सकते हैं तो. एंड बाकी ये हमारा CTMP पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है. आज की वीडियो में बस इतना ही था. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास.